दबाव, बहुत ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है सर, तो और जो यहाँ पे समस्या लेके आता है ना सर, उसकी तो री कंपल्सरी है ही है। जब राज्यपाल अपने दीक्षांत समारोह में यहाँ शिरकत करेंगे तो उनको क्या जवाब देंगे? इसी कारण इन्होंने पोस्टपोन करवा दिया और इन्हीं डीएमसी के कारण ही जो है वो पोस्टपोन हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं सिरसा तेज डॉट कॉम। इस समय हम चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में हैं और आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि एग्जाम कंट्रोलर ऑफिस के समक्ष नारेबाजी चल रही है। ये स्टूडेंट है जो डीएमसी ना मिलने को लेकर के नारेबाजी कर रहे हैं एग्जाम कंट्रोलर के खिलाफ, और छात्रों का कहना है कि पिछले कई सालों से उनको डीएमसी नहीं मिल रही है। हम छात्रों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सर्वजीत नाम है मेरा। तो आज क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? आज जो हम 3 साल से पास आउट है, बीए ऑनर्स 5 ईयर इकोनॉमिक्स कोर्स में एडमिशन है हमारा, लेकिन 3 साल पहले हमने डिग्री कंप्लीट कर चुकी है बीए की। एज ए रूल ये क्या है कि आपको कंप्लीट होते डीएमसी मिल जानी चाहिए, कंबाइंड डीएमसी आनी चाहिए जैसा सिंपल कोर्सेज में होता है, लेकिन 3 साल बाद भी हम चक्कर काट रहे हैं, बार बार चक्कर काट रहे हैं। कभी ऑर्डिनेंस का बहाना बनाया जाता है, कभी किसी चीज़ का बहाना बनाया जाता है। ये छात्रों को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है और इसी परेशानी को झेलते हुए आज हमने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है कि हमें पता नहीं है, चाहे आसमान फाड़ के ले गया हो चाहे ज़मीन खोद के ले गया हो, हमें डीएमसी चाहिए। आपका क्या नाम है? विक्रम सर। तो आपकी भी डीएमसी अटकी? हाँ जी, डीएमसी अटकी हुई है सर, 3 साल हो गए। काफ़ी बार आ चुका हूँ वैसे मैं यहाँ पे, पर दे नहीं रहे डीएमसी। कहते हैं 15 दिन में आ जाएगी, 20 दिन में आ जाएगी या 25 दिन में आ जाएगी। हम चले जाते हैं, क्यों इनके अंडर रहना पड़ता है, हमें काम मानना ही पड़ता है इनकी बात, पर ये दे नहीं रही डीएमसी। कहते हैं कभी किसी का फ़ोन करवा देते हैं, कभी डिपार्टमेंट से फ़ोन करवा देते हैं, अभी चले जाओ। किसी रंजिश के तहत ये काम हो रहा है, 3 साल हो गए और कोई डिपार्टमेंट यहाँ नहीं आता सिवाय डिपार्टमेंट के। हाँ जी, हाँ जी, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं आता यहाँ पे अपनी शिकायतें लेके, क्यों उनका काम कोई है ही नहीं। समस्या इकोनॉमिक डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा समस्या हो रही है। ओम प्रकाश सर। तो आप भी डीएमसी? यस सर, यस हम भी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से ही हैं। अलग जितने भी डिपार्टमेंट है उनके कोर्सेज चल रहे हैं, वो भी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन हमारे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का ये प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी 4 साल से हो रहा है। जो भी बच्चे हैं काफ़ी दिक्कत आ रही है इनमें डीएमसी के चक्कर में, रिजल्ट में पास दिखाते हैं लेकिन बाद में डीएमसी के अंदर फेल होते हैं। रवि नाम है सर। तो आपकी भी डीएमसी नहीं आ रही? हाँ जी सर, डीएमसी नहीं। हर बार अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है सर। बिल्कुल, हर बार आते हैं सर, हर बार सोमवार शुक्रवार कह देते हैं और हर बार मैं यहाँ से निकाल देते हैं सर, और आज तक डीएमसी कभी आई नहीं है। हमारी आती है वो गलत होती है, हमारे किसी काम की नहीं है। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम कंट्रोलर डॉक्टर प्रवीण अगमकर। डॉक्टर साहब, अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है विद्यार्थियों की ओर से और आरोप लग रहे हैं कि कई कई साल बीत जाने के बाद भी उनको डीएमसी नहीं मिल रही है और विद्यार्थियों को जो है प्रदर्शन धरना करना पड़ रहा है। पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि विद्यार्थियों को कई सालों के बाद डीएमसी टाइम से मिल जाती है। एक ही क्लास थी जिसकी डीएमसी में कुछ समस्याएं थी, वो सुधार करके देनी है और वो हम फ्राइडे को दे देंगे। डॉक्टर साहब, एक ये भी विद्यार्थी आरोप लगा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का जो दीक्षांत समारोह है जो आयोजित किया जाना था वो रद्द किया गया है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का ये कारण ये मान रहे हैं कि विद्यार्थियों को डीएमसी जो आवंटन नहीं किया जा रहा था और उस तरीके का कोई विवाद ना हो जाए इसलिए यूनिवर्सिटी ने ये कार्यक्रम रद्द करना पड़ा है। कहीं ना कहीं एग्जाम कंट्रोलर ऑफिस की वो खामी है इसमें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, और हमारी तैयारी थी और इसीलिए ये जो बात ये कह रहे हैं ये मैं इसको नहीं मानता। तो अब ये माने कि शुक्रवार को इन विद्यार्थियों को डीएमसी दे दी जाएगी? हाँ, शुक्रवार को इनको डीएमसी दे दी जाएगी जी। लगातार हमारे साथ आप बने रहिए सिरसा तेज के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। शुक्रिया।